हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर से मैं आ गई हूँ आप सबके बीच एक नए प्रोडक्ट लेके, और जो कि बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है हम लोगों के लिए, किचन के लिए। और लेडीज़ तो किचन में ही रहती हैं 24 घंटे, लेकिन हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। यह है नॉनस्टिक पैन, वंडर शेफ का है, और ये सारे स्टील के चीज़ें हैं आप देख सकते हो। पहले मैं एल्युमिनियम की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, इस टाइप के चीज़ें एल्युमिनियम का ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पॉइजनस है और इसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल दो घर से, तो मैंने मेरे पास जितने भी एल्युमिनियम की हंडी वगैरह थे सारे चीज़ें मैंने डिस्कार्ड कर दिए। अब मैं स्टील में आ गई हूँ, आप देख सकते हो ये हेवी में है, ये कैसर हॉफ का है, बहुत ही अच्छा है, भारी है, और इसमें आप कुछ भी पकाओ जलते नहीं हैं। ऐसा मेरे पास एक सेट है, फाइव हंडी है, और ये मैंने लिए, ये सब लोकल शॉप मैंने किए हैं। ये कढ़ाई है, इसमें मैं डेली यूज़ करती हूँ इसको, बहुत ही अच्छा है ये। और ये एक कॉपर का है, पीछे में देख सकते हो कॉपर कलर किया हुआ है। और जितनी भी स्टील के चीज़ें हैं आजकल मैं उसे मैं खाना पकाती हूँ। और मैंने कुकर भी चेंज कर दिया है, मैं प्रेस्टीज का स्टील में आ गई हूँ, इस प्रेस्टीज का स्टील का है। पहले मैं एल्युमिनियम का कुकर इस्तेमाल करती थी, उसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, और सारे चीज़ें मैं स्टील का लेके आई हूँ। ये सॉस पैन है, हेवी गेज में है, चाय बनाती हूँ इसमें मैं। ये सब चीज़ें स्टील का जो है बहुत ही हेल्दी है, लेकिन एक टाइम के बाद ये जैसे कॉपर कलर किया हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते करते कॉपर का जो पीछे का कलर है ये भी निकल जाते हैं। ये भी एक कढ़ाई है, देख सकते हैं आप, हेवी गेज में है। एक टाइम के बाद ये सारे चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको भी चेंज करके फिर नया लेना चाहिए। और ये लोहा जैसा दिख रहा है, लेकिन ये स्टील का है, ये लोहे आयरन का नहीं है, स्टील का है। और जैसा मेरा छोटा सा एक टिफ़िन बॉक्स है, ये भी स्टील का है, ये लोहे के हैं, इसमें मैंने ऑयल डाल के रखा है, ये आयरन का है, और ये न्यू है, अभी मैंने यूज़ नहीं किया इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल क्लीन करके मैंने डाला है, अच्छा चीज़ है ये। और जितने भी ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास नॉन स्टिक का भी है पैन, जैसे ये है प्रेस्टीज का, इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ बहुत रेयर, और इसमें ये सारी चीज़ें मैं चम्मच यूज़ करती हूँ, ये सिलिकॉन का है। इसमें स्टील का स्पून कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कोटिंग है, ये कोटिंग स्टील का स्पून से ये निकल जाते हैं, और फिर वो हमारे लिए पॉइजनस हो जाता है। जब भी ये कोटिंग निकल जाए तब इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही अनहेल्दी है। और ये एक चीज़ मैंने खरीदी है कोई भी चीज़ उठाने के लिए, लेकिन ये भी स्टील का है, आप देख सकते हो ये भी स्टील का है। जितने भी मेरे पास एल्युमिनियम के चीज़ें थे सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत ही हेल्दी है। तो जैसे मैंने ग्लास शीशा का ले लिया, जार ले लिया मैंने, ग्लास है, ये सब भी बहुत ही अच्छा है, और ये तो आज से नहीं बराबर से ही अच्छा है ये सारी चीज़ें। तो आप लोग भी मेरे जैसा कीजिए कि जो भी एल्युमिनियम का चीज़ें है उसको निकाल दीजिए और स्टील में आ जाइए। और ये एक बहुत ही प्यारा सा प्लेट है, ट्रे है, मालूम नहीं क्या इसका इस्तेमाल मैं करूँगी, लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर है, उनका बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगी मैं, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया है। वो मेरा वीडियो बराबर देखते हैं और उन्होंने कहा कि आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपको मैं ये वाला गिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको गिफ्ट किया है। तो थैंक यू आपको कि आपने मुझे इतना प्यारा सा चीज़ गिफ्ट किया है, और सबसे बड़ी बात है स्टील का है, जबकि अभी मैंने सारे चीज़ें स्टील में लिया है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भी स्टील का ही किया है, तो बहुत प्यारा सा चीज़ है। फिलहाल तो मैं इसमें
सब्जी काट के रखती हूँ और फिर मैं चाय कॉफी बनाती हूँ, तो इसमें ट्रे का जैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन है ये भी बहुत ही है और अच्छा चीज़ है ये। तो आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जो भी एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हो स्टील में आ जाइए, नॉन स्टिक पैन को घर से निकाल दीजिए। अगर वो अच्छा कंपनी का है जैसे वंडर शेफ है और भी प्रेस्टीज का है जो ठीक है, वो सब चीज़ कभी कभी आप लोग इस्तेमाल कर ले, लेकिन लोकल में जो मिलता है 50 में 100 रुपीज़ में वो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, वो बहुत ही ख़राब है और उसको वॉश करते करते उसका कोटिंग निकल जाते हैं। पहले इसका जो कोटिंग है निकल जाता था, फिर मैं भी उसको इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन जब से मुझे मालूम हुआ है तो मैंने सारे चीज़ें निकाल दिए, ये अच्छा चीज़ है बोल के मैंने रख लिया। और पहले मैं प्लास्टिक का बॉटल यूज़ करती थी, अब वो सारी चीज़ें भी मैंने फेंक दिया है। अब स्टील का बॉटल इस तरीके से मैंने 4-5 खरीद लिया है, अब यही सारे चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।